हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक टू चैनल फूड टेक्नीशियन। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कोकोनट पनीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड क्विक है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल को हीट करने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 क्लोव्स ऑफ चॉप्ड गार्लिक, इसमें हम डालेंगे 2 चॉप्ड अनियंस, अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्रीन चिली, अब हमारे जो अनियंस हैं वो हाफ डन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क, आप चाहें तो कोकोनट मिल्क भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च एंड सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। मैंने इन्हें मिक्स करेंगे अच्छे से। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, इन्हें मिक्स करेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कोकोनट पाउडर की क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ ही साथ हमें फ्लेवर भी आएगा और हमारी जो ग्रेवी है उसकी थिकनिंग भी होगी। अब हम हमारी ग्रेवी जो है वो थिक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम पनीर, जिसे हमने बड़े डाइसेस में कट कर लिया है, और इसे मिक्स करेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे।
अब हम अपने गैस का फ्लेम लो पे करेंगे एंड अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। साथ ही साथ हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर एंड इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि जो हमारा कोकोनट पनीर है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं प्लेटिंग के साथ। मेरे कोकोनट पनीर की रेसिपी आई होप आप सबको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड जल्दी मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ।